आइसक्रीम पार्लर एंड बेकर नियर टू टाउन पोलिस स्टेशन महबूब नगर हिमालय वेलनेस एक्सक्लूसिव हर्बल स्टोर अपोजिट स्वस्थ फार्मेसी पदमावती कॉलोनी महबूब नगर एम एम ज्वेलर्स गोल्ड सिल्वर एंड डायमंड मॉडल बेसिक स्कूल पांच और महबूब नगर असलामीक नाजरीन मेट्रो न्यूज अपडेट्स में आपका इस्ते है। हैं आइए बढ़ते है आज की ताज़ा खबर आरोप शहर महबूब नगर के स्टेडियम ग्राउंड में मौजूद स्विमिंग पूल में दाखिले जारी हैं इस स्विमिंग पूल में माहिर ट्रेनर्स भी मौजूद है और साथ ही साथ स्विमिंग सीखने वालों के लिए अगले माह जून में स्विमिंग कंपटीशन रखा जा रहा है जिनमें कामयाब होने वालों को अहदेदारों के हाथों से इनामात दिए जाएंगे और साथ ही साथ सर्टिफिकेट्स भी दिए जाएंगे ख़वान के लिए शाम सात बजे त आठ बजे और आठ बजे त नौ बजे दोनों बैचेस के लिए स्विमिंग पूल खुला रहेगा इस स्विमिंग पूल के इंचार्ज मतीन रहमान ने आज मेट्रो न्यूज़ अपडेट से मुखातब करते हुए शहरिया महबूब नगर के आवाम से अपील की कि वो इस स्विमिंग पूल में दाखिला दिलवाए और इस स्विमिंग पूल में डिस्काउंट भी रखा गया है जिसमें एक महीने के लिए सिर्फ दो हज़ार रुपये और पंद्रह दिन के लिए सिर्फ हज़ार रुपये रखा गया है इन्होंने इसे इस्तादा हासिल करने की अपील की और कहा कि स्विमिंग करने से इंसान सेहतमंद रहता है और इससे ख़त में इजाफ़ा भी होता है डॉक्टर्स भी इस स्विमिंग पूल में आकर स्विमिंग से इस्ता हासिल कर रहे हैं स्विमिंग पूल में कमसीन बच्चों ने अपने मुनफरीद अंदाज स्विमिंग कर, कर बताए और इस स्विमिंग पूल में एहतियात के साथ हर बच्चों पर नज़र रखी जाएगी आइए देखते हैं यहाँ के कुछ झलकियाँ और मतीन रहमान के बयान पर एक नज़र यूरोपोर्ट मच्छू न्यूज़ अपडेट्स रहमतुल्लाहि व बरकातहू मैं मोहम्मद मतीन रहमान सदर मुस्लिम निकाह वेलफेयर सोसाइटी कांग्रेस लीडर गुजा फ़रवरी ग्यारह के दिन जो फुल फन स्विमिंग पुल महबूब स्टेडियम ग्राउंड में जो ओपन हुआ था जिसको हमारे मकामी एम एल एन एम सीनी साहब के हाथों इसका इफ्तः हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह फ़रवरी से जो है ना स्विमिंग पूल स्टार्ट होने के बाद यहाँ पर कई बच्चे महबूब नगर के कमसिन बच्चे जिसकी उम्र चार साल सात साल आठ साल ऐसे बच्चों को उनके पेरेंट्स के साथ जो है ना इस स्विमिंग पूल में मेंबरशिप के जरिए जो है ना एडमिशन लिया गया और अलमदिल्ला सत्तर से अस्सी बच्चों तक हम ट्रेनिंग देकर जो है ना उन बच्चों को कंप्लीट स्विमिंग जो है ना हम सिखा चुके हैं अलहमदिल्ला ये स्विमिंग सीखने के मौके पर जो है ना हम लोग मिलकर ये सोचे हैं कि आने वाले गुज्त महीने में ये इलेक्शन कोर्ट ख़त्म होने के बाद हमारे मुकामी एम एल एन एम साहब और हमारे महबूबा डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर साहब और हमारे बल्हिया के चेयरमैन आनंद गौर साहब ये लोगों को बात कर कर बुला कर एक स्विमिंग कम्पिटिशन जो यहाँ पर लगाने वाला हूँ जो आज तक ये स्विमिंग पूल बनने के बाद जो है ना अब तक स्विमिंग कॉम्पटिशन इस महबूब नगर में नहीं हुआ है तो इस बार जो है ना इस स्विमिंग पूल में जो है ना कॉम्पटिशन जो है ना लगाने की सोच सोचे हैं हम लोग तो मेरी आवाम से गुजारिश है महबूब नगर की कि आप अपने बच्चों को जो है ना ज़रूर इस महबूब नगर के पुल फन स्विमिंग पूल में जो है ना लाइए और हम लोग मंथली फीस जो है ना बाईस सौ जो है रखी गई थी मंथली फीस तो मुझे भी जो है ना एक बच्चे यहाँ पर आके सीखने पे एक अच्छा इंटरटेनमेंट हो रहा है और जो है ना एक अच्छी चीज़ महसूस हो रही है इसलिए और दो सौ रुपये मैं डिस्काउंट करता हूँ तो दो हज़ार रुपये मंथली फ़ीस रहती है एक बच्चे के लिए पंद्रह दिन की भी पैकेज है पंद्रह दिन के उसमें जो है ना हज़ार रुपये है और और एक एक खास अच्छी बात है कि हमारे खौन भी जो है ना लेडीज़ के टाइम पर सेवन टू एट या एट टू नाइन ये दो बैचेस दिए जा रहे हैं इसमें जो है ना लेडीज़ भी बहुत ही शौक़ के साथ जो है ना शाम में जो है ना बहुत ही अच्छी तदाद में मैं समझता हूँ वो भी जो है ना सौ के करीब जो है ना ब्याज बनी है वो भी लेडीज़ भी आकर अपनी बच्चियों को लड़कियों को लाकर जो है ना यहाँ पर स्विमिंग सिखा रहे हैं माशाल्लाह मुझे जो मौका दिया गया था यहाँ पे स्विमिंग पूल का जो इंचार्ज दिया गया है हमारे एन एम सीना साहब की जानिब से तो इनशाला मैं अवाम के दरमियान में जो है ना ये धुपका लेके तीन महीने जो है ना बाहर ज़्यादा नहीं दिखा हूँ इसलिए कि जो हम जिम्मेदारी लेते हैं वो जिम्मेदारी के पीछे लग जाते हैं वो काम मुकम्मल करे तक हम छोड़ते नहीं तो ये भी एक हमारी ज़िम्मेदारी है और ये बहुत बड़ा रिस्क का मसला है यहाँ पर बच्चों को जो है कैमरे की सर देखना पड़ता है क्योंकि बच्चों पर नज़र रहना है, है हमारे पास यहाँ पर ये पूरे जितने भी है ये मेरे साथी है मैं इनको यहाँ पर काम कर रहे भी नहीं बोलता हूँ क्योंकि अब से नहीं बारह साल से जो है ना ये मुस्लिम निकाह वेलफेयर सोसाइटी जो तंजीम है उसके साथ जुड़े हुए हैं हम लोग यही लोग यहाँ पर लाइफ गार्ड करते हुए जो है ना डेली हम लोग दो से तीन तीन से दो ऐसे बच्चे जो है ना ट्यूब खुद के मिस स्टैंडिंग में जो है ना ट्यूब स्लिप होकर निकल कर जो है ना जाते रहते हैं हम उनको जो है ना लेकर आते रहते हैं ऐसा डूबने नहीं देते बच्चों को तो हर चीज़ की सेफ्टी यहाँ पर है आपके बच्चों को लाइए और मैं बात दे रहा हूँ आपको आपके बच्चे को जो है ना चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो पाँच साल से लेके अगर तीस साल का भी बच्चा हो या फार्टी 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 भी एज क्यों ना हो वैसे आदमी को भी हम स्विमिंग जो है ना सिर्फ दस दिन से पंद्रह दिन के अंदर जो है ना सिखाने की गारंटी हम देते हैं आपके बच्चों को लाइए हमारे पास जो है ना ट्यूब भी दस्याब है उनके ग्लासेस भी दस्याब है और क्या भी यहाँ पर दस्याब रहते हैं मैं गारंटी दे रहा हूँ दस से पंद्रह दिन के अंदर आपके बच्चों को जो है ना स्विमिंग जो है ना सिखाकर और एक ये भी सोचा हूँ जो जितने भी यहाँ पर सीखे हैं उन बच्चों को स्विमिंग कम्पटिशन लगा के एक गवर्नमेंट के कलेक्टर साहब से और हमारे डी वाई एस ओ साहब से जो है ना जैसा समर के लिए जैसा वॉलीबॉल हो हैंडबॉल हो नेटबॉल हो उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाता तो मैं वो भी बात रखा हूँ जितने भी बच्चे जो स्विमिंग सीखे हैं उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाए तो इन वो सर्टिफिकेट जो है ना हमारे एन एम सी एस साहब के हाथों से जो है ना देने की पूरी कोशिश करूँगा मुझे जो मौका दिया है यहाँ पर मैं दो साल के लिए जो है एम एल साहब से जो बात कर कर आया हूँ यहाँ पे वो पूरे दिनों में जो है ना पूरी ज़िम्मेदारी के साथ जो है ना यहाँ पर काम करने की कोशिश करूँगा ये संभर हो जाने के बाद और एक भी सोचा हूँ कि जैसे कि बर्थडे फंक्शंस और फैमिली फंक्शंस जो भी रहते उनके लिए भी जो है ना कम से कम बारह आदमी का एक पैकेज रख कर जो है ना ये स्विमिंग पूल को जो है ना पूरा साल भर के लिए जो है ना चलाने की कोशिश करता हूँ और यहाँ पर माशाल्लाह सभी लोग अच्छा साथ देते हैं ये लोग यहाँ पर मोहम्मद अशोक जो है यहाँ पर कोच के ज़रिए जो है ना काम कर रहे हैं और मोहम्मद महमूद भी जो है ना यहाँ पर गुजा दो साल से यहाँ पे काम कर रहा है लड़का महमूद और मैं भी यहाँ पर बारह घंटे लगातार यहीं पर मौजूद रहता हूँ सुबह छः बजे से ओपन होता है स्विमिंग पूल और शाम के दस बजे क्लोज़ होता है स्विमिंग पूल डेली की टाइमिंग ये है और हमारा मोहम्मद अरफत और मोहम्मद जवाहर ख़तीब और मोहम्मद सबील और मोमिन ख़तीब इमरोज़ और हमारे सीनियर कोच मोहम्मद अमजद वो भी जो है ना यहाँ पर बच्चों को अच्छी था उनके भी दो लड़कियाँ हैं जो बहुत ही अच्छी स्विमिंग करते हैं इधर आप इधर उधर जलियो जलियो इधर इधर जलियो ये लड़की की उम्र जो है ना मैं समझता हूँ सात साल है मगर बेहतरीन स्विमिंग करती है लड़की इसमें तीन चार किस्म के स्विमिंग करने के तरीके रहते हैं तो ये दो लड़की भी जो है ना अच्छी स्विमिंग करते हैं ये लोग ये लोग कभी भी यहाँ पे ऐसा रहे तो फर्स्ट आते हैं बच्चों में मगर आज तक जो है ना कॉम्पिटिशन नहीं रहा मैं यहाँ पर बच्चों पेरेंट्स को आके बैठ के उनकी दिलचस्पी से जो सिखाए वो चीज़ को मैं देख जो है ना यहाँ पर टूर्नामेंट लगाना बहुत ज़रूरी है बोल के मेरे साथियाँ और मैं सोच कर जो है ना हम ये तय कर रहे हैं इन आने वाले महीने में पंद्रह जून को हम टूर्नामेंट लगाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर आइए सीखें सीख कर जो है ना आपके बच्चों का नाम लिखा है उनके वालिद साहब का नाम लिखा है और मोबाइल नंबर लिखा है आधार कार्ड जराक्षस का भीपी देने के बाद हम एक टूर्नामेंट को जो है ना यहाँ पर कामयाब करने की पूरी कोशिश करेंगे और हमारे मेट्रोनियो ज़दर साहब का भी मैं बहुत शुक्रिया करता शुक्रिया अदा करता हूँ जब कभी भी आवाज़ दे तो वह लबा करते हुए एक कौम का दर्द रखते हुए जो है ना वह व मिलत के लिए काम करते हैं आधी रात को तहे दिल से उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ वाखिर नाजरीन आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशायदा यूट्यूब फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी कर सकते हैं अगर आप हमारा प्रोग्राम यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेट्रो न्यूज अपडेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूले और हमारे वेबसाइट www.metronewsupdates.com पर भी मुशायदा कर सकते हैं और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल मेट्रो न्यूज अपडेट्स